तो आज से दिल्ली में ऑड इवन लागू हो चुका है। आज इवन नंबर की बारी है और कल ऑड नंबर की गाड़ियों में ही आप निकल पाएंगे। लेकिन इस बीच एयर पॉल्यूशन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसे भी समझना बेहद जरूरी है। बाजार में एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए एंटी पॉल्यूशन मास्क से लेकर एयर प्योरीफायर और कार सैनिटाइजर तक मौजूद है। यानी कि जब सरकारें प्राणवायु को प्रदूषण से मुक्त कराने में नाकाम रही तो बाजार ने इसे मुनाफे वाले व्यापार में कुछ इस तरह से तब्दील कर दिया। चार में रंग बिरंगे लिक्विड और इनसे जुड़ी प्लास्टिक पाइप के जरिए शुद्ध ऑक्सीजन को सांसों में भरते लोग, म्यूजिक थेरेपी के साथ लोगों को शुद्ध हवा बेच रहा ये पुणे का एक ऑक्सीजन बार है। हिंदुस्तान में ऑक्सीजन बेचना एक नया कारोबार है। यहाँ ऑक्सीजन भी अलग अलग एरोमेटिक एसेंस में उपलब्ध है। इस ऑक्सीजन बार में लोग 15 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं। दावा है कि इससे उनकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, माइंड रिलैक्स हो जाता है और प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। हालांकि मेडिकल साइंस में इसे लेकर एक चेतावनी भी दी गई है। बताया जाता है कि अस्थमा और सांस के रोगियों को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं लेनी चाहिए, इससे उन्हें फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। एयर पॉल्यूशन के डर को बाजार में बदलने का ये चलन हिंदुस्तान में नया नया शुरू हुआ है। लेकिन प्रदूषण को लेकर इमरजेंसी जैसी स्थिति में आ खड़े हुए चीन में बोतल बंद शुद्ध हवा बेचने का कारोबार काफी पुराना। बीजिंग पर जब प्रदूषण की गहरी धुंध छाई तो कनाडा की एक कंपनी झट से शुद्ध पहाड़ी हवा बोतल में भरकर चीन में बेचने पहुंच गई। कनाडा की कंपनी एक बोतल शुद्ध हवा को $28 यानी करीब 2000 रुपए में बेच रही है। इन बोतलों को दो कैटेगरी में उतारा गया है जिसमें प्रीमियम ऑक्सीजन की कीमत $27.99 यानी करीब ₹1,850 और बैंफ एयर की कीमत $23.99 यानी करीब ₹1,570। इतना ही नहीं, चीन में एक रेस्टोरेंट ने तो बाकायदा अपने यहाँ फिल्ट्रेशन मशीन लगवा दी है और रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों को खाने के बिल के साथ शुद्ध हवा के लिए भी चार्ज वसूल कर रही है। डर और लोगों की परेशानियों से कंपनियां चीन में जमकर फायदा उठा रही हैं। तो वहीं हिंदुस्तान में भी बढ़ते प्रदूषण से बचाव के लिए एक बड़ा बाजार खड़ा हो गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर बाजार में आ गए हैं, एयर प्यूरिफायर की बिक्री जोर शोर से हो रही है और मास्क की मांग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदूषण से लड़ने वाले उपकरणों का बाजार 35-40% की रफ्तार से बढ़ रहा है। एक ई कॉमर्स वेबसाइट के मुताबिक साल 2018 से अब तक एयर प्यूरिफायर की बिक्री में 50% का इजाफा हुआ। एक अनुमान के मुताबिक भारत में एयर प्यूरिफायर का बाजार फिलहाल 350 करोड़ रुपए का है, जबकि 2024 तक ये बढ़कर 1500 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसी साल एंटी पॉल्यूशन मास्क की मांग भी 30 गुना बढ़ गई है। अनुमान है कि मास्क का बाजार साल 2023 तक 120 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा। इनको बढ़ावा देने की बजाय उस पर बढ़ावा दे जो हमारी असली प्रॉब्लम है कि हम एयर पोल्यूशन को कैसे टैकल करें। लोगों को आप महंगी सॉल्यूशंस मत दें कि आप एयर प्यूरिफायर लगाइए घर में या आप मास्क लगाइए। कितने लोग हैं दिल्ली में जो एयर प्यूरिफायर अपने घर में और हर कमरे में कब तक लगेगा? समस्या का समाधान ये है नहीं। अगर विकास की अंधी दौड़ ऐसे ही जारी रही तो शायद वो दिन दूर नहीं जब इंसान को जिंदा रहने के लिए अपनी हर सांस की कीमत चुकानी होगी और शुद्ध ऑक्सीजन के लिए हमें बाजार पर निर्भर रहना पड़ेगा। और इसकी ठोस वजह भी है। साल 2017 के ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के मुताबिक दुनिया भर में वायु प्रदूषण से करीब 70 लाख लोग दम तोड़ चुके हैं। भारत में वायु प्रदूषण की वजह से हर 3 मिनट में 5 साल तक के एक बच्चे की मौत हो जाती है। WHO के मुताबिक भारत जैसे विकासशील देशों में 5 साल तक की उम्र के 98% बच्चे वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर का सामना करते हैं। साल 2017 में वायु प्रदूषण से करीब 1,85,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई। प्रेस्क्राइबिंग क्लीन एयर नाम की रिपोर्ट में भी दावा किया गया कि हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर यानी PM2.5 के कारण 5 साल की उम्र तक के बच्चों की सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। वायु प्रदूषण से दुनिया भर के जितनी मृत्यु होती है उसमें जो है एक स्टडी के अनुसार लगभग 25% मौतें हिंदुस्तान में होती हैं। ये एक स्टडी है जिसके हिसाब से ये डाटा है। यद्यपि मैं समझता हूँ कि इसकी पुष्टि होनी आवश्यक है कि वायु प्रदूषण एकमात्र कारण नहीं है। वायु प्रदूषण एक कारण है, उसके अलावा भी बहुत से कारण हैं जिससे लोगों की मृत्यु होती है। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि क्या लोगों को अपनी सांसें एक बड़ी कीमत चुकाकर खरीदनी पड़ेगी?
ऐसी नौबत आए उससे पहले ही सरकारों को प्रदूषण के खिलाफ एक गंभीर जंग छेड़नी होगी। टीम न्यूज़ नेशन।